क्लोज योर आईज और सिर्फ अपने बारे में सोचो आपने क्या करना है। क्लोज योर आईज आंखें बंद कर लो बेटा, थोड़ा सोचो आपने क्या करना है लाइफ में, ज्ञान मुद्रा में आप सोचो। अब अगर दो चार पांच मिनट ध्यान से नहीं बैठ सकते तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्व गुरु भारत में 250 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, 200 के आसपास देश है, लेकिन देश का मालिक हो सकता है। देखिए कुछ नहीं रहा, क्लोज योर आईज। पांच मिनट हम लोग अगर आंख बंद नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, हमें कोई सब्जेक्ट याद नहीं होगा। आइए बेटा हेमंत आ जाए। बंसल साहब और गर्ग साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। मेरा नाम विजय तिवारी है और
मैं भारत सरकार की तीन अलग अलग समितियों का राष्ट्रीय समन्वयक रह चुका हूं। हम लोग अभी एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे भारत में, एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, अभी आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे इसके बाद, तो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज कामधेनु चेयर क्रिएट कर रही हैं और वो रूरल इंडिया में कैसे काम करें इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग एक काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का। जैसे हमें जो शिक्षा मिली हुई है ये एक नॉर्मल शिक्षा है जो हमको ब्रिटिशर्स ने दे दिया, वो हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जैसे यहाँ पे लगभग 200-250 जो बच्चे हैं, आपके अंदर अलग अलग स्किल्स है, हर बच्चे के अंदर एक अलग खूबी होती है, उस स्किल को हम कैसे डेवलप करें और उसको हम कैसे समाज के उपयोग का, अपने उपयोग का, मार्केट के उपयोग का करें, इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बवाना के हमारे भी साथ जुड़े हुए रहे, जो अभी ओलंपियंस हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हैं, बहुत सारे आप लोग बड़े लकी हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, लगभग 4000 इंडस्ट्रीज आपके पास है, इसमें कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है, हमें दो तीन काम करना है। एक तो आपने रोज 15 मिनट से शुरू करना है ज्ञान मुद्रा, सुबह शाम आप उठो, ध्यान लगाओ आपने क्या करना है, और आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपके परिवार तक नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन समाज में, स्कूल में, विद्यालय में, सोसाइटी में और ग्लोबली हर जगह होना चाहिए, क्योंकि भारत, आने वाला भारत जो है वो विश्वगुरु भारत होगा। विश्वगुरु भारत क्या होगा? जब तक सारे बच्चों के अंदर वो गुरु तत्व तो नहीं आएगा। गुरु तत्व तो क्या होता है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक हमेशा क्रिप करते रहते हैं, साहब ये नहीं है, वो नहीं है, स्कूल में हमें जमीन में बिठा दिया, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, खाना नहीं है, खाने में तो है तो इसमें घी नहीं डाला है, इसमें एक रोने वाला। एक होता है सॉल्यूशन कि जो भी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का नाम है सॉल्यूशन। जब तक भारत के हर बच्चे के अंदर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की प्रॉब्लम, वो एबिलिटी नहीं आएगी, तब तक भारत विश्वगुरु भारत नहीं होगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अंदर इन एबिलिटीज को डेवलप करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करो। अच्छा ये बहुरा नहीं, बहुत बढ़िया, आइए आइए आइए, स्वागत स्वागत आपका। हमारे बीच में सोवर इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक ये लक्ष्मी ठाकुर सिंगल जी हैं, ये हमारे चेंबर में सेक्रेटरी जनरल हैं और ये चार चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, ये वर्क विद फोर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, लक्ष्मी ठाकुर सिंगल। दूसरा हमारे बीच में दक्षिता बंसल हैं। दक्षिता जी हमारे और आपके बीच में स्किल डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन करेंगी। आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दो, कुर्सियां अपने आप आ जाएंगी, ध्यान मत करो इधर उधर, बहुत सारा भटकने वाला काम रहता है, ठीक है। अभी आज हम लोग के पास समय लिमिटेड है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को आप बाकी पीरियड से हमने ग्रुप में से डिस्कस किया, प्रिंसिपल साहब को हमने निवेदन किया कि हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आज से आप अपने आप को एक तो सोचने लगो कि हमने विश्व गुरु भारत में हमारा क्या रोल होगा, और छोटा रोल मत लेना, बड़ा रोल लेना, ठीक है। 200 बच्चे हैं, 200 कंट्रीज ही हैं, अगर ये महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी के ये बच्चे चाह लें तो अपन एक एक कंट्री के साथ जुड़ सकते हैं, तो 200 देशों को चलाने की ऐसे एबिलिटी यहां पे हम डेवलप कर सकते हैं। 200 कंट्रीज, 200 बच्चे, 200 ही
वार्ड्स हैं दिल्ली में, अगर एक एक बच्चा एक एक वार्ड के कोऑर्डिनेशन में लग जाए तो पूरे दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी अपन गाइडेंस कर सकते हैं। ये हमें सोचना है कि हमने क्या करना है। नौकरी करना बड़ा आसान है, नौकरी वो सिविल सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है और एक कैबिनेट सेक्रेटरी कभी भी अपने जो उसकी जो उसको सैलरी मिलती है उससे एक कोठी नहीं बना सकता, कंसल भवन तो बिल्कुल नहीं बना सकता। वो अगर बना रहा है तो सिर्फ चोरी करके बनाए, तो इसको आप समझ लो ये उसका कहां से बन रहा है उसको आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग लीडरशिप पे भी दिमाग लगाते हैं कि कॉर्पोरेटर है, एमएलए है, एमपी है, लेकिन उसके पास जो चल रहा है वो उसके किस कमाई से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पे भी हमें ध्यान करने की जरूरत है। हमें समाज में अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। अंधता तीन प्रकार की होती है, एक तो जो फिजिकली ब्लाइंड हो गए जिनको किसी तरीके से ब्लाइंडनेस ईश्वर ने जन्म से, बेटा सुन रहे हो बेटा ध्यान दे रहे हो, आप इसमें ध्यान दोगे तो क्लास में भी ऐसे करते होगे मुझे लगता है। ब्लाइंडनेस तीन प्रकार की होती है, फिजिकल ब्लाइंडनेस जिनको ईश्वर के वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लाइंड हो जाए, एक है मेंटल ब्लाइंडनेस जो मैक्सिमम हम लोग बिल्कुल अंधे हैं, मेंटली ब्लाइंड है, आंख बंद कर दिए, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, हम समझना ही नहीं चाहते। तीसरी है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, हमें तीनों ब्लाइंडनेस पे काम करना है और आप अपने अंदर से ईश्वर ने आप सबको शक्तियां दी हुई है, आप देख सकते हो, लेकिन देख करके समझने की भी कोशिश करो और फिर उसको स्पिरिचुअली भी अपने अंदर आप एनहांस करो। हम यहाँ पे दक्षिता जी, लक्ष्मी जी और प्रिंसिपल साहब के साथ और जितने भी हमारी टीचिंग फैकल्टी है इनके साथ मिल करके एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करेंगे ट्रस्टीज के साथ पूरे के मार्गदर्शन में, जो हमारा ट्रस्टी बोर्ड है, क्योंकि 40 साल पहले एक कल्पना की इन्होंने, 40 लोग मिले, 100-100 रुपया महीने में इन्होंने मिलाया, 100-100 रुपये ईयरली में निकालते, अच्छा 100 रुपया एक बार और फिर उससे इसकी नींव डाल करके जहां हम लोग बैठे थे, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। पहला काम हम लोग ध्यान रखें, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना बना हुआ है उसको हम कैसे साफ सुथरा रखें, हम उसमें तोड़ फोड़ नहीं बचाएंगे। अब मैं देख रहा था कल वो पुल मोरबी का, आप लोगों ने ध्यान सुना होगा, ये जो मोरबी में गुजरात में पुल टूटा है उसमें कुछ आप जैसे ही बच्चे थे और वो पुल में लात मार रहे, पुल को डिस्टर्ब कर रहे, अल्टीमेटली मरे, गिर गया पुल, टूट गया, बना आपके लिए था, आपने उसको, चलो उस पर वजन भी ज्यादा रहा लेकिन आप उसमें लात भी मार रहे हो, हिला भी रहे हो, उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहे। क्या हम समाज में इस रोल में रहेंगे या हम इस रोल में रहेंगे कि पुल में हम वहां खड़े होते, लोगों को बोलते भीड़ ज्यादा हो गई है, या हम रुक जाते, या हम जो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे उनको हम मना करते, ये हमको सोचना है कि हमने कैसे रोल में रहना। लगभग 60-70 स्किल्स हैं, दक्षिता जी को दे दिया है, अभी आप हमारे प्रिंसिपल साहब से भी शेयर कर देंगी और प्रिंसिपल साहब एक दिन बैठ के सारे हमारे टीचिंग फैकल्टी से शेयर कर देंगे और वो फिर आपके साथ उसको स्किल डेवलपमेंट को एक बार पीपीटी को शेयर करके डिस्कस कर लेंगे, उसमें से एक एक स्किल को हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक टीचर उसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और उसमें जैसे हमारे 250 बच्चे हैं तो 6-12 मेरे ख्याल से 500-700 बच्चे हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक स्किल में लगभग 10 बच्चे आ जाएंगे। 11-12 में क्योंकि आप लोग बड़े हैं तो आप लोग पीपीटी कितने लोगों को बनाना आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसको बनाना आता है आपको, ठीक है, तो आपको पीपीटी बनाना आता है, स्मार्ट क्लास होगी हमारे पास, हम उस पीपीटी को देख करके ये सब आपको शेयर कर देंगे, दक्षिणा जी के साथ में और प्रिंसिपल साहब आपको शेयर कर देंगे।
आप पहले उसको पढ़ो, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कभी कोशिश करेंगे कि हम भी महीने दो महीने में आपके साथ एक इंटरेक्शन करते रहे, और फिर आपका काम होगा एक एक स्कूल के साथ जुड़ जाना अलग अलग, तो 11th 12th के बच्चे एक एक अलग स्कूल के साथ स्किल डेवलपमेंट में इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो यू विल बिकम लाइक अ स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर दैट स्कूल। तो यहां से इसका मतलब हुआ कि 250 स्कूल इस संस्थान से आप लोग पहले पीपीटी समझेंगे, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करेंगे, खुद पीपीटी डेवलप करने का करेंगे, और फिर आप उसको उन स्कूल में कोऑर्डिनेशन करेंगे। आने वाले समय में सीबीएसई ने भी एक ऐसा डिजाइन किया है 6th to 12th, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, उसमें टूरिज्म है, उसमें हेल्थ है, बहुत सारा पढ़ोगे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी है नहीं यहां पे पीपीटी का, वो ना आपको दिखा रहे। तो एक काम और हम फ्यूचर में करेंगे, सारी एम्बेसी यहीं पे है, हम आपको एक एक एम्बेसी के साथ जोड़ देंगे, सारा कोऑर्डिनेशन दक्षिता जी लक्ष्मी जी और आपके साथ करेंगे। उसके साथ भी कुछ लोगों को हम चलिए आज के लिए इतना काफी है क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लासेस है, लेकिन पीपीटी शेयर करेंगे, मैं चाहूंगा आप ध्यान पूर्वक उस पीपीटी को पढ़ें। आने वाले समय में हर स्कूल में एक स्किल डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, यू कैन बी दैट स्किल डेवलपमेंट मैनेजर अगर आप उसको डेवलप करेंगे। यहां पे हम उस प्रोग्राम को शुरू करेंगे जो ग्रेजुएशन या उसके लेवल के लोग होंगे, तो आपको एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी पूरे दिल्ली एनसीआर में क्रिएट होगी। थैंक यू वेरी मच और संस्था का भी बहुत बहुत और बाहर से आए हुए आज के हमारे गेस्ट, मैं आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा बस इतना ही कहूँगा कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें कमियां तो बहुत हैं। कमियां क्या है कि आज एक बच्चा एमए कर लेता है और बी ए मतलब ग्रेजुएशन भी हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाता है, और फिर भी पेरेंट्स से पूछता है पिताजी मैं आगे क्या करूँ। तो ये शिक्षा का ही रिजल्ट है कि आज बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई भी स्किल या कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप की ही नहीं जाती। आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया द्वारा, टीचर्स द्वारा, कि सीबीएसई अंडर को करिकुलर एक्टिविटीज कुछ स्किल्स डेवलप करने जा रही है, जिसको गाइड किया जाता है हमारी एचआर मिनिस्ट्री जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो करती हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है आपने भी देखा होगा कि कितने सारे उन्होंने अपने पीरियड में कितनी सारी जो है योजनाएं बच्चों से लेकर दूर तक और एक आम आदमी तक जो है बनाई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी ना किसी स्किल में किसी ना किसी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट कर लें और ज़रूर आप एक ऐसा रिजल्ट देखेंगे कि आपका नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा। आप कई बार यूट्यूब में देखते हैं कि गांव के छोटे से गांव के बच्चे जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है वो भी किसी न किसी फील्ड में इतने आगे निकल जाते हैं कि अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स को जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं। मैं जो आज हमारे इस मंच को एड्रेस कर रहे थे श्री विजय तिवारी जी, उनका सहयोग धन्यवाद करता हूँ और मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारा जो स्कूल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उनको जो 100% सपोर्ट करेंगे। थैंक्स वेरी मच। क्या आपका ये अपने कोर्स के बारे में बताओ? आज कौन आएगा? आप भी आओ बेटे, आप भी आइए। वो सबसे आगे आओ। नहीं नहीं ज्योति नहीं, आप आओ, आप खुद आओ, आपको भी आओ, आप उसको बोल रहे हो, आप यू कम। ये हमें बक पासिंग नहीं होता है, पढ़ाई आप कर रहे हो, तुम चले जाओ, ये कौन सा तरीका होगा? आप आइए। हमें लाइफ में लीडरशिप लेने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? वो काम कर ले, वो दूसरा कर ले, वो तीसरा कर ले, आप थोड़ा अपने बारे में और क्या पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बारे में नहीं, हमको निकाल लिया।